अयोध्या में शुक्रवार को अलविदा के नमाज के समय बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के साथ एक बड़ी घटना घटी। इकबाल अंसारी अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के पास की मस्जिद में गए थे। मस्जिद की खिड़की जिसके बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी दिखाई देते हैं, जो बंद थी, जिसे इकबाल अंसारी खोलना चाह रहे थे। इस पर वहां मौजूद आयूब उर्फ पप्पू अंसारी और उसके तीन साथियों ने इकबाल अंसारी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। अपने साथ हुई इस घटना पर इकबाल अंसारी ने कहा कि मैं बीजेपी और योगी बाबा की तारीफ करता हूं, इस बात से ये लोग मुझसे जलते हैं। देखिए, आज की जो है जो घटना है, बिजली सहित मस्जिद में जो है हम नमाज पढ़ने बराबर जाते हैं, आज भी गए थे, और बगल में एक खिड़की लगी हुई है तो उस खिड़की को हम जो है खोल रहे थे, और इसी की जो है खिड़की को लेकर के पप्पू उर्फ अयूब ये लोग जो है तीन चार आदमी थे उसके अंदर जो है, और जो है इन्हीं के घर के लोग हैं, वो हमसे हाथापाई करने लगे। उन्होंने कहा खिड़की को खोल जो है खोल रहे हो, और खिड़की ये हमारी दुश्मनी उनकी जो है ये को ये हमसे जलते इसलिए हैं कि हम जो है आने वाली सरकार बाबा जी की तारीफ करते, इसी बात को लेकर के हमारी उनकी दुश्मनी है कि जो उनका यही मतलब है कि बीजेपी की बुराई करो तो जो है दंगा फसाद फैले, और जो है इससे उन लोगों को जो है वो लोग चंदा वसूलने वाले हैं, उनका इसे जब जो कहीं बवाल होगा तो उनका फ़ायदा होगा। हमें चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों की सौहार्द बात की जो है बात करते हैं, उनको ये बात को बुरा लगता है। आज अभी रामनगर थाने में आए, तहरीर क्या उसमें लिखा गया? देखिए, तहरीर तो हमने जो कुछ हुआ है वो जो है वो घटनाएँ जो है वो मीडिया के कैमरे में भी जो है कैद हैं, वो हमसे हाथापाई कर रहे थे, हमने जो है दरखास्त दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, आश्वासन भी मिला है कि कार्रवाई होगी। हम तो यही चाहते हैं कि जो सच्चाई है, अगर वो उन्होंने हमारे साथ हाथापाई किया है तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। हालांकि इस विवाद की खबर के बाद मौके पर मौजूद राम जन्मभूमि थाना पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए आयूब को पकड़ लिया और उसे थाने ले गए। आरोपी आयूब और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मारपीट करने, धमकी देने और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अयोध्या पुलिस का कहना है कि आरोपी को शांति भंग करने के आरोप में चालान भी कर दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।